एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का राजू रहता था। राजू बहुत चंचल और शरारती था, लेकिन उसके दिल में दया और ईमानदारी की भावना थी। एक दिन राजू जंगल की ओर गया और वहां उसने एक बंजर जमीन पर एक छोटा पौधा देखा जो सूखने की कगार पर था। उसे देखकर राजू का दिल पिघल गया और उसने पौधे को पानी देने का निश्चय किया। राजू हर दिन उस पौधे के पास जाता और उसे पानी देता। धीरे धीरे पौधा हरा भरा होने लगा और कुछ ही महीनों में वह एक छोटा पेड़ बन गया। गांव के लोग राजू का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, इस सूखे पेड़ में पानी डालने का क्या फायदा, ये कभी बड़ा नहीं होगा। लेकिन राजू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पौधे की देखभाल करता रहा। समय बीता और राजू का छोटा पेड़ अब एक बड़ा और मजबूत वृक्ष बन चुका था। उसकी शाखाओं पर हरे भरे पत्ते और मीठे फल लटकने लगे। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि वही पेड़ अब गांव को छाया और फल देने लगा था। राजू के धैर्य और मेहनत का नतीजा सबके सामने था। एक दिन गांव में भयंकर आंधी और तूफान आया। सारे छोटे पौधे और झाड़ियां उड़ गए, लेकिन राजू का पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। तूफान के बाद गांव वालों ने देखा कि वही पेड़ अब उनकी कई मुश्किलों का समाधान बन गया था। उसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रख रही थीं, जिससे गांव का बंजर इलाका अब उपजाऊ बन गया था। गांव वालों ने राजू के पास जाकर कहा, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने धैर्य नहीं खोया। आज तुम्हारे उस छोटे से प्रयास की वजह से हमारा गांव सुरक्षित और हरा भरा है। राजू मुस्कुराया और कहा, हमेशा याद रखो, मेहनत और धैर्य का फल मीठा होता है। अगर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो समय के साथ उसका परिणाम जरूर मिलता है।